ओराकल हाउस में आपका स्वागत है। आज हम घूंगी दाल बनाएंगे। ये ईस्टर्न इंडिया की रेसिपी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम घूंगी। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। इसे हमें रात भर पानी में भिगो के रखना होगा ताकि सारी गंदगी निकल जाए। इसे अच्छी तरह पानी में साफ कर लें। साफ करने के बाद इसे पानी में 20 मिनट तक नमक डाल करके 1.5 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लें। जब तक ये बॉईल होते हैं तब तक हम अपने सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स हैं 1 कप मूंग दाल, 1 टमाटर, 1 प्याज, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर, 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी। घूंगी को तब तक बॉईल करें जब तक उसके शेल से ढक्कन ना निकल जाए। 20 मिनट बॉईल होने के बाद घूंगी को फ्लेम से उतार दें, ठंडा कर लें। उसके बाद घूंगी के पीछे के टेल को चॉपर से काट लें। काटने के बाद सारे घूंगी को अच्छी तरह से पानी में धो लें ताकि उनके कटे हुए शेल निकल जाए। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर लें, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल लें। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें लौंग, तेजपत्ता, इलायची और दालचीनी डाल लें। जब ये भून जाए तब इसमें कटे हुए प्याज डाल दें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए और सारे मसाले भी डाल दें, जैसे कि हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर। तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। जब ये फ्राई हो जाए तब इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें और स्वाद अनुसार नमक। आप इसमें मिर्चा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्चा का उपयोग नहीं किया। टमाटर के साथ सारे मसाले जब फ्राई हो जाए तब इसमें धुले हुए मूंग दाल डाल दें और 1 मिनट तक सारे मसाले के साथ इसे भून लें। जब ये भून जाए 1 मिनट के बाद कटे हुए घूंगी भी डाल दें और सबको मिक्स कर लें। अब इसमें 250 ml पानी डाल दें और 3 सीटी तक इसे पकने दें। तीन सीटी के बाद हमारा घोंगी दाल तैयार हो गया है।
आइए हम इसे टेस्ट करें। इसे खाने का तरीका अलग है, इसे हम सक करके खाते हैं और बाकी का शेल फेंक देते हैं। ये रेसिपी थोड़ा डिफरेंट है और यूनिक है। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में हम न्यू रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।